वेलकम टू टेक एक्सपर्ट, स्वागत है आप सभी का साइंस फनो इलेक्ट्रिक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की योजना में दो पहिया की बड़ी भूमिका हो सकती है। कई बड़ी ऑटो कंपनियां इलेक्ट्रिक दो पहिया लॉन्च करने की योजना बना रही है। देश में प्रमुख टू व्हीलर कंपनियां इलेक्ट्रिक सेगमेंट पे एंट्री कर रही है। बजाज और टीवीएस के बाद अब एक और बड़ी कंपनी होंडा भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने की तैयारी कर रही है। ये कुछ ही सालों में भारत में आ सकती है। हालांकि होंडा ने अनाउंस नहीं किया है कि कब ये कार्गो हम भारत में लॉन्च करेंगे। ये स्कूटर भारत में आ भी सकती है और नहीं भी। इसी को चलते होंडा ने होंडा जायरो नाम से एक कार्गो स्कूटर पेश की है। जायरो प्रसिद्ध जापानी ब्रांड होंडा का एक तीन पहियों वाला इलेक्ट्रिक कार्गो स्कूटर है। ये स्कूटर एक स्ट्रॉन्ग मल्टीपर्पल यूटिलिटी स्कूटर है। इस स्कूटर में होंडा ने दो लेटेस्ट स्वैपेबल लिथियम आयन बैटरी दी गई है। इसके अलावा इस स्कूटर को 3 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकेगा। इसकी बैटरी को कई वाहनों और रोबोट के बीच साझा किया जा सकता है और होंडा द्वारा प्रदान की गई विशेष वेंडिंग मशीनों में सेकंड में स्वैप किया जा सकता है। टॉप स्पीड की बात करें तो इस स्कूटर को 25 से 45 किलोमीटर पर हर की स्पीड से दौड़ाया जा सकेगा। डायमेंशन की बात करें तो इस स्कूटर की लेंथ 1935 mm विथ 680 mm और हाइट 1027 mm दी गई है। इस स्कूटर का वेट 84 kg दिया गया है। कंपनी ने इस कार्गो के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी है। अब देखना यह होगा कि यह स्कूटर कितने किलोमीटर की रेंज देता है और कीमत क्या रहेगी और कितने पावर के साथ अवेलेबल होगी। जैसे ही मार्केट में आएगी हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी होंडा की तरफ से आने वाली अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।